हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई माई सेल्फ एंडी जोशी एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द टॉपिक एक्टिव पैसिव एंड इट्स थर्ड पार्ट दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। प्रिय छात्रों नमस्कार, आज मैं आपको एक्टिव पैसिव का थर्ड पार्ट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कराने के लिए जा रहा हूँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं और जिनमें आज्ञा, प्रार्थना और सलाह का भाव प्रकट होता है। Imperative sentences are those sentences which give a sense of order, request or advice. So, dear student, these are very easy sentences, comparatively assertive and interrogative sentences. ये sentences, imperative sentences, interrogative और assertive sentences की तुलना में काफी easy होते हैं because they have only same tense, क्योंकि वो सारे के सारे जो वाक्य होते हैं वो लगभग एक से होते हैं बिकॉज दे हैव नो टेंस, क्योंकि उनमें किसी भी टेंस का यूज नहीं होता है। सो दिस सेंटेंस स्टार्ट विद द वर्ब, ये सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इस प्रकार के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो है वो हमको नहीं मिलता है, सब्जेक्ट हमको दिखाई नहीं देता है। इसलिए इस प्रकार के सेंटेंसेस में हमारी जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह भूमिका होती है ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, ऑब्जेक्ट को किस प्रकार से पहचाना जाए। तो ऑब्जेक्ट जो होता है आप सभी जानते हैं वर्ब के बाद स्टार्ट होता है और प्लेस, टाइम, एडवर्ब या फ्रेजेस या अदर वर्ड से पहले फिनिश हो जाता है। और आप सब जानते हैं, मैंने आपको बताया है, ऑब्जेक्ट हमेशा होता है या तो व्यक्ति होता है और या फिर वो वस्तु होती है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। इस प्रकार के सेंटेंसेस को सॉल्व करने के लिए हमको एक फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। That formula is let plus object plus not plus be plus v3। यानी कि यदि हमको सेंटेंस को पैसे बनाना है तो हमें इस फॉर्मूले को यूज करना होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, let plus object plus not plus be plus v3 को हमको फॉलो करना है। तो देखते हैं सेंटेंस नंबर फर्स्ट। Sing a sweet song, एक मधुर गीत गाइए। दिस इज वर्ब, दिस इज ऑब्जेक्ट, फॉर्मूले में फिट करते हैं। लेट ऑब्जेक्ट को लिया, लेट अ स्वीट सॉन्ग और इसमें ऐड करने वाली सहायक क्रिया है बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग की थर्ड फॉर्म होती है सन। लेट अ स्वीट सॉन्ग बी सन, लेट अ स्वीट सॉन्ग बी सन। सेंटेंस नंबर सेकेंड, डू नॉट प्ले अ मैच, डू नॉट प्ले अ मैच, इसमें ये वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये सेंटेंस है नेगेटिव। तो क्या करना है आपको, फॉर्मूले में नॉट का यूज कर देना है। लेट हमने सब्जेक्ट उठाया, लेट अ मैच, फॉर्मूले में सेंटेंस में नॉट है, फॉर्मूले में नॉट लगाएंगे, नॉट ऐड करने वाली हेल्पिंग वर्ब बी, लेट अ मैच नॉट बी प्ले, let a match not be played. Number third, never tell a lie, कभी भी झूठ मत बोलिए। this is verb, this is object, ये negative word है, साथ में साथ adverb है, तो हम formula के according let object आया, let a lie इस word का use किया, adverb का never और add कर दी helping verb be, let a lie never be told. Okay, in the same way, always speak the truth, हमेशा सच बोलें। देखिए दिस ये verb है, this is object है, according to formula let object लिया, let the truth, उसके बाद हमने एडवर्ब उठाया, ऑलवेज सहायक क्रिया ऐड करी बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन। लेट द ट्रुथ ऑलवेज बी स्पोकन, लेट द ट्रुथ ऑलवेज बी स्पोकन। सेंटेंस नंबर फिफ्थ, प्लीज या काइंडली में से कोई भी एक वर्ड, प्लीज काइंडली हेल्प द पुअर। सेंटेंस को समझने की कोशिश करिए, यदि कोई सेंटेंस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होता है तो वो निश्चित रूप से प्रार्थना का भाव देता है। जो सेंटेंस प्लीज या काइंडली स्टार्ट होता है वो निश्चित रूप से प्रार्थना का भाव देता है। और ये फॉर्मूला जो है ये क्या होता है, प्रार्थना का ही भाव देता है, सलाह का ही भाव देता है, आदेश का ही भाव देता है, लेकिन
100% ये रिक्वेस्ट का भाव नहीं देता है। तो यहाँ पर एक रूल क्रिएट होता है, एक रूल बनता है जिसको हमको लर्न करना होता है। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होता है तो निश्चित रूप से वो प्रार्थना का भाव देता है, और प्रार्थना का भाव देता है तो निश्चित रूप से आंसर में भी हमको प्रार्थना का भाव दिखना चाहिए। इसलिए प्लीज या काइंडली के स्थान पर हम यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। प्लीज या काइंडली के स्थान पर हम यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। सो आवर आंसर विल बी यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, इसमें प्लीज और काइंडली के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज और काइंडली को हटाया और हेल्प द पुअर हमने उसमें ऐड कर दिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कभी कभी बच्चों के मन में क्रिएट होता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन इसमें हेल्प यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म है। सो आई वॉन्ट टू मेक यू क्लियर, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ऐसे में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में काम करती है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 6 की ओर। प्लीज डू नॉट बीट मी, प्लीज डू नॉट बीट मी, ये देखिए प्लीज है इसलिए प्रार्थना का भाव दे रहा है, इसलिए हमको लिखना पड़ेगा यू आर रिक्वेस्टेड, आना है प्रार्थना का भाव है इसलिए लेकिन नेगेटिव होने के कारण हमको इसमें क्या करना है, नेगेटिव भाव भी देना है। हम सब जानते हैं कि नॉट की टू का प्रयोग हमेशा वर्ब के पहले किया जाता है, इसलिए डू को हटा देते हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू बीट मी, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू बीट मी, अगर प्लीज के संग डू नॉट लगा होगा तो उसको हम यू आर रिक्वेस्टेड तो हमको लेना है इसके प्लेस पे यू आर रिक्वेस्टेड, और नेगेटिव है इसलिए हम सब जानते हैं कि टू का प्रयोग हमेशा वर्ब के पहले किया जाता है, इसलिए नॉट के बाद टू का प्रयोग करते हैं और डू को वाक्य में से हटा देते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार हमने देखा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो है वो इस प्रकार से सॉल्व होते हैं। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस प्रकार से इनको हम और आसान तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है डू इट और दूसरा सेंटेंस है शो मी द प्लेस वेयर यू लिव। बड़ी आसान तरीके से समझने की कोशिश करिए डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत छोटा सा सेंटेंस, एक बहुत बड़ा सा सेंटेंस, बोथ द सेंटेंसेस आर इंपेरेटिव बिकॉज बोथ आर स्टार्टिंग विद द वर्ब। एक सेंटेंस बहुत छोटा है, एक सेंटेंस बहुत बड़ा है, जैसे कंफ्यूजन अमंग द स्टूडेंट, छात्रों के बीच में कंफ्यूजन हो जाता है कि इतना छोटा सेंटेंस भी पैसिव है, इतना बड़ा सेंटेंस पैसिव है। डोंट वरी अबाउट दैट, बोथ आर इंपेरेटिव सेंटेंसेस बिकॉज बोथ आर स्टार्टिंग विद द वर्ब, क्योंकि दोनों ही वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। नाउ देयर इज अ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन हो जाता है व्हाट विल बी द या व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्ट इन सच अ लिटिल एंड सच अ बिग सेंटेंस, इतने बड़े सेंटेंस में कहां पर ऑब्जेक्ट तलाशें। बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जस्ट फॉलो द रूल, नियम का पालन करिए, सब कुछ मिल जाएगा। डू वर्ब है तो 100% ऑब्जेक्ट होगा, इसके अलावा कोई वर्ड ही नहीं, राइट। और शो वर्ब है तो मी एक पर्सन है, और पर्सन क्या होता है, पर्सन क्या होता है, पर्सन ऑब्जेक्ट होता है। तो अब आपको इससे बचना चाहते हैं, आप थोड़ा सा बचना चाहते हैं कि हम हमारा सेंटेंस रॉन्ग नहीं होना चाहिए, हमारा पर्पज ये है कि हमारा सेंटेंस रॉन्ग नहीं होना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, तो मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जिसके आधार पर इस प्रकार के डाउट्स वाले सेंटेंस को आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, जब भी कोई भी सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है उसके अंदर तीन फीलिंग्स होती हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, तो हर सेंटेंस को जो डाउट के क्राइटेरिया में आ जाए, डाउट के कैटेगरी में आ जाए, उस सेंटेंस को आप लेट वाले फॉर्मूले से हल ना करके यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइस टू से सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है डू इट, तो आप मानते हैं, आप ऐसा मानते हैं कि एक ऑर्डर है, तो आप कह सकते हैं यू आर ordered to do it, आपको आदेश दिया जाता है किसको करिए, क्लियर।
शो मी द प्लेस वेयर यू लिव, मुझे वह जगह दिखाइए जहां आप रहते हैं, मुझे वह जगह दिखाइए जहां आप रहते हैं। सपोज करिए कि आप किसे कहना चाह रहे हैं, इतने बड़े सेंटेंस में आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम किस प्रकार से हम तलाशें कि ये क्या है। अब गौर करिए, यहां पर ऑर्डर का भाव भी समझ में नहीं आ रहा है, यहां पर रिक्वेस्ट का भाव भी समझ में नहीं आ रहा है, यहां पर एडवाइस का भाव भी समझ में नहीं आ रहा है। इन सबको कवर करता है आस्क्ड, इन सबको कवर करता है आस्क्ड। आस्क के अंदर रिक्वेस्ट भी छिपी हुई है, ऑर्डर भी छिपा हुआ है और आपके एडवाइस भी छिपी होती है। तो अगर कभी कंफ्यूज हो जाए कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है ये ऑर्डर है या ये रिक्वेस्ट है या फिर एडवाइस है, तो यहां पर एक फॉर्मूला काम करेगा, यू आर आस्क्ड। आस्क्ड एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर ऑर्डर भी छिपा है, रिक्वेस्ट भी छिपा है और एडवाइस छिपा है। यू आर आस्क्ड टू शो मी द प्लेस वेयर यू लिव। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जहां भी आप कंफ्यूजन में आ जाए इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, तो आपको लेट वाले फॉर्मूले से बनाने में आप कंफ्यूज हैं, ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा है, आप केवल एक काम करिए, अकॉर्डिंग टू सेंस मीनिंग के अकॉर्डिंग, यू आर एडवाइज टू सलाह होने पर, यू आर ऑर्डर टू आदेश होने पर, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रार्थना होने पर, और तीनों भाव में भी अगर आप कंफ्यूजन में, यू आर आस्क का प्रयोग करके आप इस प्रकार के सेंटेंसेस में, जिस प्रकार के सेंटेंसेस में आपको ऑब्जेक्ट ना मिल रहा हो, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 9 की ओर। कम हेयर, पहली नजर में देखेंगे तो सेंटेंस है कम हेयर, वर्ब से स्टार्ट है, डेफिनेटली इंपेरेटिव सेंटेंस है। लेकिन मैंने आपको बताया था, और अक्सर बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं, सोचते हैं हेयर ऑब्जेक्ट है क्योंकि वर्ब के बाद जो कुछ लिखा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा हमने सुना है। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, एक्टिव पैसिव में, ऑब्जेक्ट या तो व्यक्ति होता है या वस्तु, या तो व्यक्ति होता है और या फिर वो वस्तु होता है। हेयर एक प्लेस है, हेयर एक प्लेस है, तो निश्चित रूप से पैसिव सेंटेंस इसको ऑब्जेक्ट के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। क्या किया जाए? तो यदि हमारे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो, या ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस के रूप में हो, टाइम के रूप में हो, एडवर्ब के रूप में हो, तो डेफिनेटली ये सेंटेंस क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो लेट वाले से नहीं बनेगा। वंस अगेन यू हैव टू सॉल्व दिस सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ यू आर वाले फॉर्मूले से। तो कम हेयर एक ऑर्डर है, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हेयर, आपको यहां आने का आदेश दिया जाता है, चूंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में स्वीकार नहीं होगा। फिर देखते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट, सिंग स्वीटली, मधुरता पूर्वक गाइए। अब देखिए, दिस इज वर्ब, नो डाउट एट ऑल ये वर्ब है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब से स्टार्ट है, लेकिन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है ऐसा मालूम है, लेकिन होना चाहिए या तो व्यक्ति और या फिर वस्तु, और स्वीटली एक एडवर्ब है। निश्चित रूप से सेंटेंस लेट वाले फॉर्मूले से नहीं बनेगा, फिर से हमें सेंटेंस को यू आर वाले फॉर्मूले से बनाना पड़ेगा। तो आप इसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई मधुरता पूर्वक गाइए, तो आपका आंसर आ जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिंग स्वीटली, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिंग स्वीटली। आपसे निवेदन किया जाता है, प्रार्थना की जाती है कि आप मधुरतापूर्ण तरीके से गीत गाइए। तो एक कंक्लूजन मैं आपको यहां पर निकाल के देता हूं, जो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होंगे वे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होंगे, और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट अगर आपको मिलता है तो आपके पास लेट प्लस ऑब्जेक्ट वाले फॉर्मूले से सेंटेंस को सॉल्व करने का तरीका है, और यदि आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है या आप कंफ्यूज होते हैं, तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज, यू आर आस्क से आप उस सेंटेंस को हल कर सकते हैं। और यदि ऑब्जेक्ट व्यक्ति नहीं है, वस्तु नहीं है, तो उस सेंटेंस को आपको यू आर वाले फॉर्मूले से ही हल करना है। यानी एट द एंड हम एक कंक्लूजन के रूप में ये कह सकते हैं, एट द एंड हम कंक्लूजन के रूप में ये कह सकते हैं कि हर सेंटेंस को, हर इंपेरेटिव सेंटेंस को यू आर वाले फॉर्मूले से बनाया जा सकता है, लेकिन हर इंपेरेटिव सेंटेंस को लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी थ्री वाले फॉर्मूले से नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि कहीं कहीं हमको ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता है। नाउ द लास्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस में आपको सिखाने की ओर जा रहा हूं, सेंटेंस नंबर 10 एंड सेंटेंस नंबर 11।
इलेवेंथ सेंटेंस क्या कहता है? लेट मी राइट अ लेटर. सी, लेट वाले सेंटेंस भी इंपेरेटिव का पार्ट होते हैं. लेट वाले सेंटेंस भी इंपेरेटिव का पार्ट होते हैं, लेकिन इसमें सब्जेक्ट भी मिलता है और ऑब्जेक्ट भी मिलता है. सब्जेक्ट भी मिलता है, ऑब्जेक्ट भी मिलता है. लेट वाले सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मिलते हैं. इसलिए बी केयरफुल. दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब, दिस इज ऑब्जेक्ट. यू कैन आस्क, आप कह सकते हैं सर मी तो ऑब्जेक्ट होता है. आप कह सकते हैं सर यू मी तो ऑब्जेक्ट होता है. एंड आई ऑल्सो एग्री विथ यू दैट मी इज एन ऑब्जेक्ट. मैं आपसे सहमत हूं और ये मानता हूं कि मी क्या है, ऑब्जेक्ट है. बट ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं आती है. बट आफ्टर वर्ब, आफ्टर ऑब्जेक्ट वी कैन नेवर यूज अ वर्ब. लेकिन वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब को यूज कर ही नहीं सकते हैं. इट्स ऑल्सो क्लियर. सो वाई देयर इज रिटन मी इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट. तो क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, हाउ इज अ सब्जेक्ट. सो आई एम मेकिंग यू क्लियर कि लेट के बाद जो भी लिखा जाता है वो ऑब्जेक्ट मूड में लिखा जाता है. उसको ऑब्जेक्ट मूड में लिखा जाता है, लेकिन वो होता है सब्जेक्ट. यानी ये मी नहीं, एक्चुअली आई है. ओके तो लेट के बाद हमेशा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट रूप में लिखा जाता है, लेकिन वो काम करता है सब्जेक्ट का. ओके तो लेट मी राइट अ लेटर. लेट सब्जेक्ट लीजिए, लेट अ लेटर. साइकिल ऐड करिए बी. थर्ड थिंग लाइए रिटन. लेट अ लेटर बी रिटन बाय मी. लेट अ लेटर बी रिटन बाय मी. सेंट नंबर लास्ट. लेट अस प्ले चेस. देखिए दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब, दिस इज ऑब्जेक्ट. तो लेट चेस बी प्लेड बाय अस. डियर स्टूडेंट, इट्स ऑल अबाउट योर इंपेरेटिव सेंटेंसेस. प्रिय छात्रों, इंपेरेटिव सेंटेंसेस यहां पर एंड होता है. यहां पर मैंने हर प्रकार से आपको समझाने की कोशिश की. If still you have any kind of query, any kind of doubt, so you can ask me in comment box. Comment box में आप मुझसे पूछ सकते हैं. I will try to solve your problem. And I hope ये video आपको पसंद आया होगा. If really you like this video, please like it, share it, comment it, and please don't forget to subscribe. Have a nice day.